नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स यू स्कोर 100 द कंप्लीट सक्सेस अ फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन चैनल। सब्सक्राइब फॉर फ्री वीडियोस। दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाकर आने वाली फ्री वीडियोस को देखने के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सितंबर 2006-2016 में पूछे गए प्राइमरी स्तर के पेपर फर्स्ट में भाषा सेकंड हिंदी के प्रश्नों को चुना है। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे तथा आने वाली सीटेट तथा स्टेट लेवल की सीटेट टेट वाले एग्जाम्स में आपके लिए सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निर्देश, परीक्षार्थी इस भाग में भाग प्रश्न संख्या 121 से 150 के प्रश्न के उत्तर केवल तभी देंगे यदि उन्होंने भाषा सेकंड हिंदी का विकल्प चुना हो। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न प्रश्न संख्या 121 से 135 के लिए सबसे सही या सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्नों के। दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा दें जिससे आपको आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो का पहला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 121, भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर एक, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर दो, बच्चों को साहित्यिक विद्याओं से परिचित करवाना। ऑप्शन नंबर तीन, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना। ऑप्शन नंबर चार, बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, बच्चों को उत्साही पाठक बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 122, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है ऑप्शन नंबर एक, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। ऑप्शन नंबर तीन, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। ऑप्शन नंबर चार, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। प्रश्न नंबर धन्यवाद 23, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। ऑप्शन नंबर एक, कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा। ऑप्शन नंबर दो, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। ऑप्शन नंबर तीन, कहानी कहने के तरीके द्वारा। ऑप्शन नंबर चार, कहानी में घुसे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर तीन प्रश्न का सही उत्तर है, कहानी कहने के तरीके द्वारा। प्रश्न नंबर 124, अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन ऑप्शन नंबर एक अनिवार्यतः औपचारिक रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर दो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर तीन, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। ऑप्शन नंबर चार, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, नियमित रूप से किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन नियमित रूप से किया जा रहा हो। प्रश्न संख्या 125, सुरभि किसी भी ऐसे शब्द को शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो से अधिक बार ता की आवृत्ति हो हुई हो। आप उससे या उसे ऑप्शन नंबर एक, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर दो, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। ऑप्शन नंबर तीन, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे। ऑप्शन नंबर चार, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे। प्रश्न नंबर 126, प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन नंबर एक, वीडियोग्राफी। ऑप्शन नंबर दो, लिखित परीक्षा। ऑप्शन नंबर तीन, पोर्टफोलियो। ऑप्शन नंबर चार, नाटक का मंचन। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, पोर्टफोलियो प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक होता है। प्रश्न नंबर 127, यदि तुम्हें डायलिया
डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उत्तर उद्देश्य है, यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य है ऑप्शन नंबर एक, बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना। ऑप्शन नंबर दो, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना। ऑप्शन नंबर तीन, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। ऑप्शन नंबर चार, बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, बच्चों के अनुभवों और चिंतन को स्थान देना। प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 128, अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह के बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई जा सकती हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक ऑप्शन नंबर एक, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। ऑप्शन नंबर दो, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। ऑप्शन नंबर तीन, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं। ऑप्शन नंबर चार, भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार। भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषय की पुस्तकों का उपयोग करें। प्रश्न नंबर 129, भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए एस अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर एक, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई। ऑप्शन नंबर दो, भाषा प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर तीन, पारिवारिक संवाद। ऑप्शन नंबर चार, सामाजिक अंतःक्रिया। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सुनने में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 130, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को ऑप्शन नंबर एक, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। ऑप्शन नंबर दो, मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना। ऑप्शन नंबर तीन, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना। ऑप्शन नंबर चार, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर एक, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। प्रश्न नंबर 131, भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर एक, सभी भाषाई कौशल पाठ्यपुस्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर दो, कोई भी भाषाई कौशल अंत संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर तीन, सभी भाषाई कौशल अंत संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर चार, सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, सभी भाषाई कौशल से संबंधित होते हैं। प्रश्न नंबर 132, पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर एक, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना। ऑप्शन नंबर दो, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। ऑप्शन नंबर तीन, कहानी का अंत बदलवा देना। ऑप्शन नंबर चार, कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। प्रश्न नंबर 133, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? ऑप्शन नंबर एक, भाषा वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। ऑप्शन नंबर दो, भाषा को अपने परिवेश के अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। ऑप्शन नंबर तीन, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। ऑप्शन नंबर चार, संज्ञा करना, वचन की सूची पहचान करना। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। प्रश्न संख्या 134, भाषा सीखने से शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर एक, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना। ऑप्शन नंबर दो, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। ऑप्शन नंबर तीन, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। ऑप्शन नंबर
अनुसार किसी शब्द का अर्थ जानना। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर तीन, अक्षरों और वर्णों का क्रम जानना। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दों का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होगा? अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग है। प्रश्न नंबर 135। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे ऑप्शन नंबर एक केवल अवधारणा ही बना पाते हैं, ऑप्शन नंबर दो केवल विषय ही पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर तीन साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, ऑप्शन नंबर चार साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, उसके साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 136 से 143 के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तरी सीमा के सफ़ेद बर्फीले चोटियां शहीदों के खूनों से सनकर लाल हो गए। हजारों आंख माओं की गोदें सूनी हुई, हजारों की मांगों का सिंदूर पूछ गया और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर मनाने की। तभी यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी, वहां कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों को दिल को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक थी। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकार करने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया, लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निर्देशक श्री सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया, लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंखों में भरो पानी। समय जैसे थम गया, सभी के मन एक ही भाव एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। लोग सिसक रहे थे, आंसू थे कि थमते ही नहीं थे। दोस्तों, उपरोक्त गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर नीचे आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 136। ए मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में क्या सच नहीं है? ऑप्शन एक लता मंगेशकर ने स्वर दिया, ऑप्शन नंबर दो प्रदीप ने लिखा, ऑप्शन नंबर तीन मन्ना डे ने सुर दिया, ऑप्शन नंबर चार सी रामचंद्र ने संगीत दिया। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, मन्ना डे ने स्वर दिया। ये उपरोक्त गद्यांश या मेरे वतन के लोगों गीत के संबंध में गलत है। मन्ना डे ने उस गाने में स्वर नहीं दिया था, केवल लता मंगेशकर ने स्वर दिया था, प्रदीप ने उस गाने को लिखा था, सी रामचंद्र ने इसमें अपना संगीत दिया था। प्रश्न नंबर 137। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ने भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था। ऑप्शन नंबर एक चीन का दबाव, ऑप्शन नंबर दो हजारों युवकों का शहीद होना, ऑप्शन नंबर तीन सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, ऑप्शन नंबर चार रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, सैनिकों द्वारा मार्च पास्ट से इनकार। क्षमा करें दोस्तों,
सही उत्तर है हजारों युवकों का शहीद होना। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण था ऑप्शन नंबर दो, हजारों युवकों का शहीद होना। प्रश्न नंबर 138, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी? ऑप्शन नंबर एक, प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे। ऑप्शन नंबर दो, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाए। ऑप्शन नंबर तीन, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। ऑप्शन नंबर चार, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार है। प्रश्न नंबर 139, पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है? पीठ में छुरा भोंकने का अर्थ है ऑप्शन नंबर एक, पराजित करना। ऑप्शन नंबर दो, युद्ध में घायल करना। ऑप्शन नंबर तीन, आक्रमण करना। ऑप्शन नंबर चार, विश्वासघात करना। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, विश्वासघात करना। पीठ में छुरा भोंकना अर्थात विश्वासघात करना। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर चार प्रश्न का सही प्रश्न नंबर 140, जानी मानी फिल्म हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया था? ऑप्शन नंबर एक, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ऑप्शन नंबर दो, गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। ऑप्शन नंबर तीन, भीड़ जुटाने के लिए। ऑप्शन नंबर चार, लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, भीड़ जुटाने के लिए। प्रश्न नंबर 141, प्रश्न नंबर 141, मांग का सिंदूर पूछ जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर एक, अभागिन होना। ऑप्शन नंबर दो, अनाथ हो जाना। ऑप्शन नंबर तीन, विधवा हो जाना। ऑप्शन नंबर चार, वियोगनी हो जाना। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर तीन, विधवा हो जाना। प्रश्न संख्या 142, देश का हौसला पस्त था क्योंकि? ऑप्शन नंबर एक, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थीं। ऑप्शन नंबर दो, चीन से मात खाई थी। ऑप्शन नंबर तीन, तैयारियां नहीं की गई थी। ऑप्शन नंबर चार, कोई उमंग शेष नहीं थी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर दो, चीन से मात खाई थी। प्रश्न संख्या 143, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है? ऑप्शन एक, आंसू उमड़ चले। ऑप्शन नंबर दो, भीड़ उमड़ चली। ऑप्शन नंबर तीन, नदी उमड़ आई। ऑप्शन नंबर चार, दूध उमड़ने लगा। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर चार, दूध उमड़ने लगा यह गलत है, जबकि दूध उबलने लगा यह सही होता है, जबकि अन्य ऑप्शनों के लिए उमड़ना सही है। आंसू उमड़ चले, भीड़ उमड़ पड़ी, नदी उमड़ पड़ी, इन क्रियाओं इसमें उमड़ना क्रिया सही प्रयोग किया गया है। निर्देश, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के प्रश्न संख्या 144 से 150 के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता की तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियां पड़ने लगीं। चारपाइयां आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, न उससे धीमी न तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफेद था। बादल बीच बीच में जरा सा घुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। बादल बीच बीच में जरा सा घुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने
एक तरफा तौर पर रैनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहे जैसी थी। बारिश से बुरी तरह उबाव ऊब कर हम सोए इस नींद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। उपरोक्त गद्यांश पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर हम आगे देने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 144। बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था, वाक्य का भाव है। वाक्य का भाव है ऑप्शन नंबर 1, पढ़ाई नहीं कर पाए थे। ऑप्शन नंबर 2, बारिश नहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर 3, बहुत बारिश हुई थी। ऑप्शन नंबर 4, अकाल के कारण पैसा नहीं था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बारिश नहीं हुई थी। प्रश्न नंबर 145। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन ऑप्शन नंबर 1 आ चुका था, ऑप्शन नंबर 2 सूखा था, ऑप्शन नंबर 3 दूर था, ऑप्शन नंबर 4 आने वाला था। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन आने वाला था। प्रश्न नंबर 146। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन ऑप्शन नंबर 1 लोग बारिश होने से खुश थे, ऑप्शन नंबर 2 लोग बारिश के न होने से परेशान थे, ऑप्शन नंबर 3 लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे, ऑप्शन नंबर 4 तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, लोग तेज बारिश होने से खुश थे। प्रश्न नंबर 147। झीसियां शब्द का अर्थ है या भाव है? झीसियां शब्द का भाव है ऑप्शन नंबर 1, बहुत हल्की बूंदा बांदी। ऑप्शन नंबर 2, मूसलाधार बारिश। ऑप्शन नंबर 3, तेज फुहारें। ऑप्शन नंबर 4, तेज बूंदा बांदी। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, बहुत हल्की बूंदाबांदी। झीसियां शब्द का मतलब है बहुत हल्की बूंदाबांदी। प्रश्न नंबर 148। प्रश्न नंबर 148, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रैनी डे मनाने का फैसला किया, वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? ऑप्शन नंबर 1, दिमाग से कमजोर। ऑप्शन नंबर 2, बारिश का मजा लेने वाले। ऑप्शन नंबर 3, पढ़ाई में पिछड़े। ऑप्शन नंबर 4, हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, पढ़ाई में पिछड़े। प्रश्न नंबर 149। किन लोगों ने रैनी डे नहीं मनाया? किन लोगों ने रैनी डे नहीं मनाया? ऑप्शन नंबर 1, जो भीगना नहीं चाहते थे। ऑप्शन नंबर 2, जो बारिश से बचते थे। ऑप्शन नंबर 3, जो पढ़ाकू थे। ऑप्शन नंबर 4, जो डरपोक थे। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जो पढ़ाकू थे, उन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। प्रश्न नंबर 150। सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य है। ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त, ऑप्शन नंबर 2 संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर 3 सरल, ऑप्शन नंबर 4 मिश्र। प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, संयुक्त। सावन सिर पर था और बादल लापता, यह वाक्य है संयुक्त प्रकार का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ब्लॉगर इत्यादि सोशल नेटवर्क्स पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अभी भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाएँ जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले हमारी वीडियोज़ का लुत्फ़ उठा सकें। बने रहिए दोस्तों हमारी आने वाली वीडियो तक, देखते रहिए हमारे ज्ञान प्रद वीडियोज को।
आगामी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।